चलिए भाई, आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। देखिए, आज भी लगभग के लगभग आप, मैं बात करूं तो दो तीन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए तो सारे क्वेश्चंस हमारे सेशन से पूछे गए। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी हमने रिव्यू कराया वहां से तो क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। जैसे चाहे भेल हो जाए, चाहे आपको यूएन हो जाए, चाहे फिर आपको जो है कि भेल के बारे में, चाहे फिर पोखरण हो जाए, ये सब क्वेश्चन देखा होगा आपने कि मैंने पहले करा रखे हैं और उसी क्वेश्चन को आज यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है। कई सारे क्वेश्चन तो हूबहू आपको रिपीट कर दिए गए जो कि इससे पहले पूछे गए, तो वो सारी डिटेल्स जो मैं एक्स्ट्रा देता हूँ वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम रहे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने से पहले मैं बता दूं, मेरा काम है रिव्यू करना, आपका काम क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। और आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए, ध्यान रखिए, अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप 10 बजे रात को पर डे मैं दोनों सेशंस का, बोथ का मैं एकदम फुल एनालिसिस कराता हूँ। उसके लिए आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा और कोड यूज करना पड़ेगा vimlesh@14, vimlesh@14 कोड यूज करके क्या करेंगे आप उस एप्लीकेशन को इजिली खोल लेंगे, अगर एप्लीकेशन नहीं खुलता है तब। देखिए, ये कल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 12 तारीख के, आज मैं 13 तारीख के फर्स्ट का कराऊंगा। ये कल के क्वेश्चन पूछे गए जिसको मैंने आपको ऐसे रखा हुआ है ताकि कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, वर्गीज कुरियन, ध्यान रखिएगा ऑपरेशन फ्लड, या फिर व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए भी जाने जाते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। आज एक और फादर पूछा गया, फादर ऑफ बॉटनी, जो कि मैंने आपको बता रखा है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस इनको, ये कल की क्वेश्चन है, इसको आज का मत समझिएगा, ठीक है। सिविल सर्विसेज, ये मैंने सिर्फ आपको एक प्रीव्यू दिया है जहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। राजसंघ की जगह, राजसंघ को जो है कि किस नाम से, यूएन के नाम से, यूएन के एस्टेब्लिशमेंट अगर पूछा जाएगा 1945, हेडक्वार्टर पूछा जाएगा न्यूयॉर्क, हेड कौन है अभी करंट में, जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, बॉक्साइट में सबसे बड़ा निर्माता कौन सा राज्य है, ओडिशा, ध्यान रखिएगा, ओडिशा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, अगर पूछा जाएगा कि यहाँ के राज्यपाल कौन है तो गणेशी लाल। अब आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, थियोफ्रेस्टस इज द सॉरी फादर इज अच्छा थियोफ्रेस्टस ही पूछा गया था, थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ विच, तो वो हो जाएगा बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगर पूछा जाता कि आपको आधुनिक वनस्पति विज्ञान का फादर किसे जाता है, तो वो हो जाते हैं कार्लिनियस, ये भी मैंने बता रखा है। अगर आप पर डे रिव्यू देख रहे हैं, अगर आपने कल का ही सेशन देखा होता, कल रात में भी मैंने बताया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया था आपको कि बायोलॉजी हो गया, ठीक है, जूलॉजी हो गया, उसके फादर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपको अरस्तु, जो कि पूछा जा सकता है, कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एरिस्टोटल यानी अरस्तु, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ मेडिकल साइंस, तो वो किसको मैंने बताया था, हिपोक्रेट्स, ध्यान रखिएगा हिपोक्रेट्स कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मेडिकल साइंस के, ध्यान रखिएगा मेडिकल साइंस के फादर हो जाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। फादर ऑफ आयुर्वेद मैंने बताया था कि आयुर्वेद का अगर फादर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे चरक, ठीक है। अगर आपको गॉड पूछा जाएगा कि आयुर्वेद का भगवान कौन है, तो वो हो जाएंगे धन्वंतरी। एक मन में आपके आता है कि सुश्रुत कौन है, तो वो फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं, फादर ऑफ सर्जरी पूछा जाएगा तो वो सुश्रुत हो जाएंगे। अगर आपको पूछा जाएगा कि सर होम्योपैथी के फादर कौन है, तो होम्योपैथी के फादर कौन हो जाएंगे, हनीमैन, कौन हो जाएंगे, हनीमैन। और ये सब मैंने आपको बता रखा है, और मैंने कहा था कि आपको पूछा जाएगा। फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर पूछा जाएगा लवोजियर, फादर ऑफ फिजिक्स पूछा जाएगा न्यूटन, ये सब क्वेश्चन मैंने बता रखे आपको। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ऑन विच डेट नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, तो देखिए ये क्वेश्चन भी मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, नीति कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये क्वेश्चन भी आपको कंफर्म पूछा जाएगा। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी एक गैर संवैधानिक निकाय है, नीति कमीशन एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसने योजना आयोग को रिप्लेस किया। मैंने योजना आयोग की भी एस्टैब्लिशमेंट बताई थी आपको 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की एस्टैब्लिशमेंट है हुई, उसको 1 जनवरी 2015 को नीति कमीशन ने जो है कि उसको रिप्लेस किया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति कमीशन का फुल फॉर्म हो जाता है। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो दिल्ली में, और पूछा जाएगा आपको कि इसको क्या कहा जाता है, तो भारत सरकार का थिंक टैंक किया कहा जाता है। इसी में पंचवर्षीय योजनाएं हटा दी गई, जबकि 15 मार्च 1950 यानी जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उसमें पंचवर्षीय योजनाओं को भी चलाया जाता था। पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, तो वो 1951 से 1956 तक पहली चली, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा 12वीं, तो वो हो जाएगा 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली, यानी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, जो कि किसमें चलाई गई थी, प्लानिंग कमीशन में। फिर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया किससे, नीति कमीशन से, जो कि 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति कमीशन से। और वो हो जाएगा आपका जो नीति कमीशन है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है, जिसका जो पूरे सर्वे सर्वा होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ही क्या होता है, नीति कमीशन का चेयरमैन हो जाता है। तो नीति कमीशन 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुई, उसके चेयरमैन कौन थे, मोदी जी। वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि नीति कमीशन का चेयरमैन कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वही उसके चेयरमैन हो जाएंगे। अब देखिए नीति कमीशन से कुछ क्वेश्चन मैं और बता देता हूं। अगर आपको पूछा जाएगा
कि नीति कमीशन के पहले वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष कौन थे, तो राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजीव कुमार नीति कमीशन के पहले उपाध्यक्ष थे। पहला अगर सीईओ पूछा जाएगा सिंधु श्री खुल्लर, पहला पूछा जाएगा, सॉरी अभी मैं शायद मैंने पहला मैं लिख देता हूँ आपको, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए शायद मैंने पहला ही बोल दिया, मैं बता देता हूँ, ईजी है, ये जो राजीव कुमार है करंट में, देखिए नीति कमीशन में बता दूं नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, शायद मैंने जल्दी जल्दी बाजी में वो बोल दिया। नीति कमीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो नीति कमीशन का देखिए पहला फर्स्ट वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा, वाइस चेयरमैन वो हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया, ये ध्यान रखिएगा, अरविंद पनगड़िया कौन हो जाएंगे, ये पहले वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। और वर्तमान करंट वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा, दोनों में लिख देता हूं, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, डॉक्टर राजीव कुमार कौन हो जाएंगे, ये वर्तमान में हो जाएंगे, जबकि पहले कौन हो जाएंगे, अरविंद पनगड़िया। पहला अगर सीईओ पूछा जाएगा, फर्स्ट सीईओ इन नीति कमीशन, तो वो हो जाएंगे सिंधु श्री खुल्लर जी। कौन हो जाएंगे? सिंधु श्री खुल्लर जी। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा कि करंट में यानी वर्तमान में कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में इनके जो हो जाएगा मेंबर्स की बात हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स इंडियन मेंस टीम प्ले क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो वो हो जाएगा 3 बार, 3 बार जीता है, जिसमें एक बार हमारे, ठीक है, एक बार हमारे, उसके बाद आपको पता है सबसे पहले हमने वर्ल्ड कप 1983 में जीता था, जो कि आपको पूछा जा सकता है, उसके बाद हमने 2007 में 2011 में जीता हुआ ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और बात करें करंट में आईसीसी की, तो देखिए आईसीसी की अगर आपको पूछा जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो वो ये 1909 में, हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो दुबई में, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, दुबई में क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि करंट में चेयरमैन कौन है, तो वो हो जाएंगे ग्रेग बाकले, जो कि न्यूजीलैंड से, ग्रेग बाकले कौन हो जाएंगे, करंट में चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाएगा कि सीईओ कौन है अभी, अगर करंट में आईसीसी का सीईओ कौन है, तो वो हो जाएंगे मनु साहनी। कौन हो जाएंगे? मनु साहनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुई भाई, 1935। इसको अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन यही है, 1949 में राष्ट्रीयकरण। पूछा जाएगा हेडक्वार्टर, तो वो हो जाएगा मुंबई में, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि करंट में इसके जो है कि हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे शक्ति कुमार दास गवर्नर, ध्यान रखिएगा शक्ति कुमार दास गवर्नर हो जाएंगे। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। चार डिप्टी गवर्नर हैं, कौन कौन? वो जाएंगे एम के जैन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, राजेश्वर राव हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। एक हो जाएंगे बीपी कानून को, ठीक है, और एक हो जाएंगे आपके एमडी पात्रा। ये चार जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि करंट में आरबीआई की पहली या फिर करंट में सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, तो वो हो जाएंगे सुधा बालकृष्णन। ये आप देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कंफर्म पूछा जाएगा। देखिए मेरा काम क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा रिव्यू कराना, आपका काम क्या है, वीडियो को बार बार देखना, कई बार देख सकते हैं, अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है तो उसको नोट डाउन करना और उसको पूरी तरीके से पढ़ लेना। और आपका काम क्या है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियोस को लाइक करना। आगे बढ़ते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड द फतेहपुर सिकरी? अकबर ने बनवाया था। अकबर ने इवन जो है पंचमहल भी फतेहपुर सिकरी में बनवाया। अकबर ने गुजरात जीत के बाद बुलंद दरवाजा भी कहां पे बनवाया, तो फतेहपुर सिकरी में ही बनवाया। पूछा जाने वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 1542 में जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा 1542 में जन्म हुआ था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो कहां हो जाएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम। इजी क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिशमेंट पूछा गया 1993, ठीक है, और क्या पूछा गया आपको कि हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो ब्रुसेल्स का जो हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। बर्डमैन ऑफ इंडिया, देखिए ये भी मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, सलीम अली, जिनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। सलीम अली पार्क भी मैंने बताया था आपको कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए मैंने जिस दिन क्वेश्चन पूछा था उसी दिन कहा था कि आपको कंफर्म पूछा जाएगा कि बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मैंने बोला था कि आपको पूछा जाएगा कि बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर सलीम अली। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, भेल की एस्टैब्लिशमेंट, देखिए भेल का मैंने आपको हेड भी बताया था नलिन सिंगल, ठीक है, उस दिन क्वेश्चन पूछा गया था, उसी दिन मैंने आपको बताया था एस्टैब्लिशमेंट भी 1964। वेरी इजी क्वेश्चन, 1964 उसी दिन मैंने भेल का बताया था। देखिए और मैंने कहा था पूछा जाएगा, आज पूछ लिया गया। लास्ट गवर्नर ऑफ आसाम, बनवारी लाल पुरोहित। लास्ट गवर्नर पूछा जाएगा तो बनवारी लाल पुरोहित। करंट में पूछा जाएगा तो जगदीश मुखी। सीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, सर्वानंद सोनोवाल। इजी क्वेश्चन ये भी। हिमाचल डे, तो ये जनवरी कर लीजिएगा, जनवरी 1971। देखिए आपको पूछा गया होगा, मे भी जो दिया गया हो, ईयर दिया गया हो, डेट दिया गया हो, वो ध्यान रखिएगा। आपको पूछा जाएगा 25 जनवरी 1971 हो जाएगा आपका क्या, हिमाचल प्रदेश का एस्टैब्लिशमेंट। अगर करंट में अगर मैं पूछूं हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे, कंफर्म पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। करंट में आपको पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके जयराम, अगर सीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, जयराम ठाकुर।
अगर वहीं पे पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन है, अगर वर्तमान में अगर आपसे पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो कौन हो जाएंगे, आपके बंडारू दत्तात्रेय। इजी क्वेश्चन है। संगमरमर सिटी, देखिए यहां पे आई थिंक आपको अगर पूछा गया होगा तो वो किशनगढ़ दिया गया होगा राजस्थान का, अगर दिया गया होगा तब किशनगढ़ दिया गया होगा राजस्थान का। अब मे भी जो भी ऑप्शन में दिया हो मुझे नहीं पता है, ये क्वेश्चन भी एक था। आगे बढ़ते हैं। द सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश, तो भाई 1922 ये भी बताया गया क्वेश्चन है। सोवियत यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, 1922 में, ये भी बताया गया क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग, देखिए अभी मैंने आपको बताया था उसी सेशन में दो क्वेश्चन पूछा गया नीति कमीशन से, और जब पहली बार नीति कमीशन का क्वेश्चन बना था तभी मैंने आपको नीति कमीशन से सारे क्वेश्चन बना देते। अब अगला जो नीति कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैर संवैधानिक निकाय इनमें से कौन सा है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो आपका नीति कमीशन होगा और वो कंफर्म पूछा जाएगा, या भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहते हैं, नीति कमीशन को कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था गंगा ग्राम परियोजना किस मंत्रालय के द्वारा करी गई थी, तो वो हो जाएगा, देखिए अभी जो है ड्रिंकिंग वाटर को क्या कर दिया गया है, आपका वाटर पावर मिनिस्ट्री कर दिया गया, जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया, किसके पास है, गजेंद्र शेखावत जी के पास है। अगर पूछा जाएगा जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, वो गजेंद्र शेखावत जी के पास हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसके द्वारा चलाया गया, तो हमारे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, यानी पेयजल ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, भाई राजस्थान में, वेरी इजी क्वेश्चन, उदयपुर में। ठीक है, फ्रेंच ओपन किसने जीता, राफेल नडाल। देखिए कल ही क्वेश्चन मैंने बताया है कि आपको कंफर्म पूछा जाएगा ग्रैंड स्लैम, चाहे वो यूएस ओपन हो, चाहे वो फ्रेंच ओपन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, और इस बार तो विंबलडन हुआ ही नहीं है। तो मैंने बताया था कि फ्रेंच ओपन सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि राफेल नडाल मेल और इगा स्टुअर्ट फीमेल, ये भी मैंने बताया था आपको। यूएस ओपन मैंने बताया था डोमिनिक थियम, नाओमी ओसाका। आपको मैंने जो है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन भी बताया था नोवाक जोकोविच और सोफिया कैनिन, ये सब मैंने बताया हुआ क्वेश्चन। देखिए मैं आपको यही कहूंगा कि यहां से जो मैं आपको रिव्यू करा रहा हूं, यहां से 110% श्योर कह रहा हूं कि सिर्फ अगले दिन में ही 5 क्वेश्चन में बनाऊंगा, इवन शाम की शिफ्ट में भी आप देखेंगे यहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सिर्फ यही करना है, रेगुलर रहना है, सारे आप रिव्यूज देख के जाइए, पेपर देने में 100% आपको कह रहा हूं कि 20+ क्वेश्चन आप करेंगे। तो आपका काम क्या है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस नेम ऑफ द जीटी रोड, तो उसे हम क्या कहते थे, उत्तरापद। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक्सेलरेशन डायमेंशन, तो IT to the power -2, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका लेंथ 1 हो जाएगा और आपका टाइम भी 1 हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1929 के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, तो देखिए 1929 में ही मैंने बताया था आपको कि पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, और तब कौन था, ये पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया। यहीं से आप हिंट लगा सकते थे, इजी क्वेश्चन था ये भी। हृदय योजना, ये भी इजी क्वेश्चन है, कब चलाई गई भाई हृदय योजना, तो वो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो पूछा जाएगा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना, ये हृदय का फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसमें 12 शहरों को जोड़ा गया और उसमें 59 रास्ते बनाए गए, जो जो भी धरोहर स्थल है उसको जोड़ा गया, और उनको क्या किया जाएगा, एग्यूमेंट कराया जाएगा, यानी उनको फिर से जो करा जाएगा उनको रेनोवेशन की तरफ ले जाया जाएगा, यानी उनको और अच्छा किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हृदय योजना, जो कि 2015 में स्टार्ट हुई। फिर से मैं बता देता हूं आपका, अगर हेरिटेज हृदय का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एग्यूमेंटेशन योजना, ये कंफर्म पूछा जाएगा आपको, हृदय का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन स्कीम, ठीक, एग्यूमेंटेशन योजना, ये फुल फॉर्म हो जाएगा। यंगेस्ट पियन सना मरीन, काफी ज्यादा इनका नाम हुआ था फिनलैंड, सबको पता था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूजीलैंड का पीएम पूछा जाएगा जेसिंडा ऑर्डेन, फ्रांस का पीएम पूछा जाएगा आपको जीन कोटेक्स, रशिया का पीएम पूछा जाएगा मिखाइल मोसिस्तिन, इटली का पीएम पूछा जाएगा गिनसब कांटे, ओमान का पूछा जाएगा सुल्तान हतम बिन सईद अल सैद, ये सब मैंने आपको बता रखा है। इंग्लैंड का पूछा जाएगा बोरिस जॉनसन, नेपाल का पूछा जाएगा, अगर पीएम पूछा जाएगा तो केपी ओली हो जाएंगे, श्रीलंका का पूछा जाएगा तो महिंद्रा राजपक्षे, ये सारे जितने भी पीएम है मैंने रटा रखे हैं, इवन सारे कंट्रीज के आसपास के, भूटान के डॉक्टर लोताय तेंसरिंग, ये सब मैंने आपको रटा रखे हैं। सिर्फ क्या करना है, रेगुलर रह करके रिव्यूज देखना है, आपका सब काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिटी ऑफ पैलेस जयपुर, बताने की जरूरत ही नहीं है। वोटिंग एज 21 से 18 किसने करी भाई, 61 में आपके जो है कि संविधान संशोधन में जितने भी मेरे प्लस के बच्चे होंगे वो सब इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। क्रेडिट किसको जाता है, 1989 में किया गया, क्रेडिट किसे जाता है, राजीव गांधी को जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पोखरण द्वितीय कब हुआ, 1998 में, पहला कब हुआ, 1974 में, जिसको क्या नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, उसी समय मैंने आपको बताया था, उसी समय ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, पहले वाला 1974 में हुआ जिसको क्या नाम दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा, ये भी क्वेश्चन कराया गया है। आईसीसी फर्स्ट फीमेल एम्पायर, ये भी देखिए मेरा पढ़ाया गया क्वेश्चन है, कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी क्लेयर पॉलशेक, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसके अलावा मैं और बता देता हूं, अगर आपको पूछा जाएगा कि
आईसीसी द्वारा कौन सी ऐसी पहली महिला अंपायर बनी जो थर्ड अंपायर बनी, किसी मैच में थर्ड अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी, तो वो भी नाम लिख लीजिएगा, जैकलिन विलियम नाम हो जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, जैकलिन विलियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैकलिन विलियम पहली थर्ड अंपायर बनी है महिला, अगर पूछा जाएगा तो। और पूछा जाएगा कि कौन सी भारतीय जो है वो आईसीसी की रेफरी बनी है, तो वो हो जाएंगी जेएस लक्ष्मी। पूछेगा कौन सी भारतीय महिला जो आईसीसी में रेफरी बनी है, तो वो हो जाएंगी जेएस लक्ष्मी। ये भी नाम ध्यान रखिएगा, जेएस लक्ष्मी पहली रेफरी बनने वाली भारतीय महिला है। पहला अगर पूछा जाएगा कि पुरुषों के क्रिकेट टीम में अंपायरिंग करने वाला क्लेयर पोलोशोक, पहला थर्ड अंपायर बनने वाली महिला जैकलिन विलियम। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने पढ़ा रखे हैं, आपने मेरा स्पोर्ट्स का सेक्शन देखा होगा तो सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आज का ये था रिव्यू। देखिए मैं आपसे यही कहूंगा कि सिर्फ इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप सारे देख लीजिए, आपकी कोई भी डिमांड है आप मुझे कमेंट करिए, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। और 100% श्योर मैं कह रहा हूँ, 40 में से अगर आप रेगुलर हैं तो 40 में से यार प्लस वाले जो बच्चे हैं वो 35 प्लस कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं 25 प्लस क्वेश्चन सिर्फ 10 दिनों के अंदर आपको 100% की मैं करा दूंगा कि 25% क्वेश्चन, अब 25 क्वेश्चन आपको 40 में से आएंगे ही आएंगे, जाकि कोई भी हाल हो, ठीक है। तो आज के लिए रिव्यू के लिए बस मैं इतना ही कहूंगा, थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। रेगुलर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम वाले रिव्यू के साथ तकरीबन 8 बजे के करीब, जो कि सेकंड शिफ्ट का रिव्यू होगा, जो कि मदद करेगा आपके आने वाले शिफ्ट के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।